आज प्रयाग में बाबू जी के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम आज आदरणीय राजू भैया जो हमारे एकटा के सांसद भी हैं, बाबू जी के सुपुत्र हैं और राजू भैया राजवीर सिंह जी के नाम है, लेकिन राजू भैया के नाते से भारत से संबोधित करते हैं। आपके पुत्र और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह जी और छोटे पुत्र भी और भाभी जी और सभी परिजन यहाँ पर हमारे मंत्री वर्मा जी भी और सब उस क्षेत्र के भी विधायक और आज यहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी विधायक आए, सांसद आए और सभी माननीय जो पूर्व मंत्री जो बाबूजी के कैबिनेट का हिस्सा भी थे वो लोग भी आए। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है क्योंकि मैं भी राजनीति का व्यक्ति नहीं था, मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का ही एक सिपाही था और बाबूजी के मतलब यह साहसिक निर्णय से सरकार जाए तो जाए, राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएगी और ढांचा ढहा इसलिए आज राम भव्य मंदिर बन रहा है। बाबू जी के चरणों में मैं ही नहीं पूरा प्रयागराज ही नहीं पूरा प्रदेश और देश का राम भक्त दुनिया का राम भक्त उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ कि जिस दिन से बाबू जी जब गए, जिस दिन इस धराधाम को छोड़ करके, उस दिन भी जिस प्रकार से जो तिथि थी वो बड़ी पुण्यदायक तिथि, जाना तो दुखदायी हम लोगों के लिए है, उसे माना जाता है। तेरहवीं संस्कार में भी मैं गांव अतरौली गया था और वहां पर भी मैं देख रहा था वर्षा हो रही थी, अभी अस्थि विसर्जन कर रहा था तब भी वर्षा हो रही थी। मुझे ऐसा, ये देव पुरुष थे, धरती पर अपनी लीला करने के लिए आए थे और उन्होंने एक जन्म में 1000 जन्म का काम करके और एक हम सबको के लिए एक रास्ता, एक आदर्श मार्ग बना के दिया है। बाबू जी के सपने निश्चित तौर से पूरे हुए हैं, लेकिन उनके जो भी अधूरे सपने हैं सब लोग चर्चा करके उसको भी पूरा करें। मान लो सवाल।